बचपन से लेके अब तक आप कितने बार अपनी लाइफ में शॉपिंग को गए होंगे। इस पूरे वक्त में वो एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियस बनाया था तो वो है बारकोड्स। कसम से मैं ये हमेशा से जानना चाहता था कि एक्चुअली में ये ब्लैक एंड व्हाइट स्टिकर एक प्रोडक्ट का पूरा हिस्ट्री कंप्यूटर को कैसे बताता होगा। ऐसा क्या स्टिकर में होता है जो कंप्यूटर को एक प्रोडक्ट का इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि प्रोडक्ट का टाइप, उसका प्राइस, उसका नाम, उसका वजन एक्सेट्रा। क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? हिस्ट्री के अनुसार ये बारकोड्स बनाए गए थे ओल्ड मिलिट्री मॉस्कोड्स के रेफरेंस से। अरे वही, वो हॉलीवुड मूवीज में नहीं दिखाते? मिलिट्री ऑफिसर्स एक दूसरे से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक कोड लैंग्वेज यूज करते हैं, डॉट और डैश वाला, वही। सो नाउ आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल टेक बाबा, जहाँ आपके सभी साइंस एंड टेक रिलेटेड क्यूरियोसिटी को शांत किया जाएगा। तो चलो आज हम जानते हैं कि ये बारकोड क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके पीछे का साइंस क्या है। बारकोड या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है जो आपको कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल डेटा आसानी से कंप्यूटर में एंटर करवाने में मदद करता है। अब चाहे वो सुपरमार्केट के कोई कुकी बॉक्स की लेबल हो या कोई वेयरहाउस की कंप्यूटराइज इन्वेंट्री, हम इसे हर जगह देख सकते हैं। ऐसे कहा जाता है, हम इंसानों को कोई राइटिंग में या किसी का मजाक उड़ाने में या सिंगिंग में कोई मशीन तोड़ नहीं दे सकता, बट इन कंप्यूटर्स जो ये नंबर्स के साथ जादू करते हैं उस लेवल तक बहुत कम ही इंसान पहुंच पाए हैं। बट हाउएवर इन कंप्यूटर्स का एक लिमिटेशन है और वो ये है कि ये अभी भी 1 और 0 वाला लैंग्वेज को ही पहचान पाते हैं। ठीक है, चलो अब हम ये जानते हैं कि ये बारकोड्स ऐसे वियर्ड क्यों दिखते हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है। इसका पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि ये बारकोड सिस्टम हेविली डिपेंड करता है हमारे पुराने दोस्त लेजर पे। लेजर अ प्योर बीम ऑफ लाइट। यस, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। ये जो बारकोड के ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, ये लेजर को उतने इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए इसे डिजिटल लैंग्वेज का वन कंसिडर किया जाता है। और दूसरी ओर जो व्हाइट गैप्स है या व्हाइट बिट्स है, वो इस लेजर बीम को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर लेता है और उसे डिनोट किया जाता है 0 से। अब जरा आप अपनी स्क्रीन में गौर करना, ये जो इमेज आप देख रहे हो, दिस इज हाउ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बारकोड लुक्स लाइक। और ये रिप्रेजेंट करता है एक 12 डिजिट नंबर जो कभी कभी बारकोड के नीचे नॉर्मल नंबर्स में भी प्रिंट करके आता है। ये उस वक्त बड़े काम में आता है जब बारकोड ज्यादा ही खराब या डिस्टर्ब कंडीशन में होता है, इतना खराब कि बारकोड स्कैनर भी उसे रीड नहीं कर पाता। इस 12 डिजिट नंबर में पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट टाइप, लाइक अ पैक ऑफ राइस, गिफ्ट कार्ड और अ मैगजीन। इस सीक्वेंस के अगले 5 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं मैन्युफैक्चरर कोड को और दूसरे साइड के 5 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट कोड को और सबसे लास्ट नंबर होता है चेक डिजिट, जिसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। दोस्तों, इस सीक्वेंस में एक क्वाइट जोन भी होता है जो कोड के बिगिनिंग और एंड में होता है, जिससे आपका स्कैनर आपके प्रोडक्ट के स्वाइपिंग स्पीड को रीड कर सकता है। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा बाउंसर टाइप होगा, बट फिकर नॉट, वो है एकदम सिंपल। इस वन डायमेंशनल बारकोड के ब्लैक एंड व्हाइट पट्टे में ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो हम इंसान अनदेखा छोड़ देते हैं। इस सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट, दैट इज 1 डिजिट ऑफ बारकोड, इज सेपरेटेड इनटू 7 मॉड्यूल्स, जिसमें इंडिविजुअल बार्स और स्पेसेस होते हैं। सो आपने कभी अपने लाइफ में ये नोटिस नहीं किया होगा, बट इन फैक्ट ये बारकोड्स बने हुए होते हैं 95 इवनली स्पेस वर्टिकल कॉलम्स है और सभी कॉलम्स के अपने सेपरेट डिटेल्ड डेटा। ये 7 कॉलम्स के ग्रुप को कंप्यूटर एक साथ इंटरप्रेट करता है और उसमें से एक डिजिट का डेटा आउटपुट निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल नंबर 1 का सीक्वेंस है 0011001, मतलब बारकोड लैंग्वेज में स्पेस स्पेस बार बार स्पेस स्पेस बार। और अब मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि बारकोड इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और बस ऐसे ही यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे चेक डिजिट के बारे में, या बारकोड का सेल्फ एसेसिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, जो ये एंश्योर करता है कि अब तक के बारकोड के पूरे 11 डिजिट सीक्वेंस राइटली कैलकुलेटेड है कि नहीं। ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि चेक डिजिट के कैलकुलेशन के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है ये। अगर ये सब सुन के आपका फ्यूज उड़ गया होगा तो माफ करना, क्योंकि इन सभी इन्फॉर्मेशन से मैं आपको ये बताना चाहता था कि बारकोड सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि आपको इसका जानकारी होना जरूरी था, बिकॉज इसी वन डायमेंशनल बारकोड्स ने जन्म दिया था अभी के QR कोड्स को, जिस पर पूरा दुनिया डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे सभी ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजैक्शन इसी के मदद से तो चलते हैं। तो अगर आप QR कोड पर भी एक डिटेल रिसर्च वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद मोर सच वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।